अस्सलाम वालेकुम सब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। उर्दू की बुक है ये, सबक नंबर 8, पेज नंबर इसका 36। कल हमने इसकी जो है बारिश आई, ये चैप्टर था नज़म थी, बारिश आई उसकी हमने रीडिंग की और हमें कुछ मुश्किल अल्फाज किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो रीडिंग भी याद की होगी और आपने वो वर्ड्स भी लिखे होंगे कॉपी पे, उन वर्ड्स को देखा होगा कि वो किस तरह लिखे गए हैं। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं पेज नंबर 37 पे। मश्क, मुख्तसर जवाब दीजिए। बारिश से ठंडक हो जाती है, बारिश से और क्या होता है? वो पूछ रहा है कि बारिश से एक तो ठंड हो जाती है, दूसरा क्या होता है? तो हमने उसको आंसर करना है बारिश से ठंडक होती है और सर्दी हो जाती है, यानी बारिश से ठंड भी हो जाती है और सर्दी भी हो जाती है, मतलब कि एक ठंडक हो जाती है सारे हर तरफ और सर्दी हो जाती है। बादल किस रंग के होते हैं? बादल सफ़ेद और काले होते हैं। सवाल नंबर 3 है, बारिश के अलावा बादलों से और क्या बरसता है? जवाब है बारिश के अलावा बादलों से ओले बरसते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अगर बारिश ना बरसती तो क्या होता? अगर बारिश ना बरसती तो ठंडक ना होती और हमें पानी ना मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब बारिश बरसती है तो पौधों और जानवरों की क्या कैफियत होती है? जब बारिश बरसती है तो पौधे और जानवर बहुत खुश होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। आपने इसको अपनी नीट कॉपी पे लिख लेना है और आपने इसको याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो समझाया है वो आपने समझ लिया और आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई आपको मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।